तो हेलो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन की शान पे। मैं मोहिंदर सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। तो साथियों, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज वीडियो किस पे होने वाली है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप देखते होंगे मेरी वीडियोज में, जब भी मैं पगड़ी बांधता हूँ तो मेरी पगड़ियों कितनी अच्छी माया लगी होती है, आप देखते होंगे। उसी प्रकार आपको भी साथियों एक बार मैं सिखाऊंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं और नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। तो साथियों, आपने जब साफे को माया देनी है तो कुछ बातें आपने जरूर ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है, दो पक्षी खिली होनी चाहिए तभी पगड़ी को माया लगेगी। तो साथियों, कुछ मेरे साथी कहते हैं कि आज मैंने साफा फैन पे सुखाया, कोई बोल रहा है मैंने वॉशिंग मशीन में सुखाया। तो साथियों, वैसे कभी उस पगड़ी को माया नहीं लगेगी। आपने जब भी माया देनी है अच्छी धूप में देनी है, अच्छी खिली हुई धूप होगी तब देनी है और बहुत अच्छे से माया लगेगी। साथियों, 1.5 लीटर पानी में 3 छोटे चम्मच मैदा मिक्स करना है, आपने अच्छे से हिला लेना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट उसको अच्छे से गैस पे गड़काना है। तो साथियों, उसके बाद पानी में अच्छे से भिगोना है साफे को, आपने पूरे अच्छे से उसको गीला कर लेना है। और उसके बाद जो आपने मैदा गड़काया था उसको इसमें डाल दीजिए पगड़ी में और अच्छे से उसको भिगो दीजिए इसमें। और साथियों, उसके बाद अच्छे से उसको गीला करने के बाद हल्के हाथों से उसको निचोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं निचोड़ना आपने। उसके बाद साथियों, आपने धूप में रखना है इस प्रकार से। और साथियों, इसको आपने हर 2-3 मिनट के बाद ऐसे खोल आपने अलग अलग करना है, नहीं तो साथियों आपस में ये चिपक जाएगा तो ये फट भी जाता है। आपने हर 2-3 मिनट के बाद इसको इस प्रकार खोलते रहना है ताकि आपस में चिपक ना जाए। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छे से सूख गया है। साथियों, जब भी आप कोई काम करें अच्छी मेहनत और लगन से करें, ज़रूर वो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार सूख चुका है साफा। तो आप सबका धन्यवाद साथियों, जो वीडियो पे आपने पूरा कीमती टाइम दिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जरूर आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। आपने सीखा होगा कि साफे को कैसे माया देते हैं हमारे रामबन में, किस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप माया दे सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी जरूर लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। एक बार फिर आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद।